गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का हमारा जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था वाटर एब्जॉर्प्शन, तो वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि वाटर एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होता है, क्या होता है जल अवशोषण। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो सॉइल है उसमें कितने प्रकार का जो वाटर है वो अवेलेबल रहता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कैपिलरी वाटर, वेपोराइज्ड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकली वाटर, है ना, ग्रेविटेशनल वाटर। इन वाटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट वाटर था प्लांट्स के लिए, जो वो ग्रहण कर सकते थे, अवशोषित कर सकते थे, वो था आपका कैपिलरी वाटर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किन किन विधियों द्वारा होता है और किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब एक्टिव तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाटर है आपका उसमें भी दो विधियां हैं। एक तो ऑस्मोटिक थ्योरी है और एक है आपकी नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। और दूसरी विधि जो है आपकी पैसिव एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, यदि हम इसकी बात करें तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किस प्रकार से ये जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो पेड़ पौधों की सहायता करता है। तो वह एब्जॉर्प्शन जो जड़ों की सेल्स में उत्पन्न बलों के कारण अर्थात जड़ की सक्रियता के कारण होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहलाता है। मतलब वह अवशोषण जो जड़ों की सक्रियता के कारण संपन्न होता है, जड़ें सक्रिय रहती हैं तभी ये वाटर एब्जॉर्प्शन है जो सक्रिय रहता है। जड़ों की सक्रियता के कारण ही यह वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हम इसे कहते हैं। इसमें अब कौन कौन सी विधियाँ हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की, एक तो है आपकी ऑस्मेटिक थ्योरी और एक है आपकी नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी। तो ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है, ऑस्मेटिक थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम जब भी आप वीडियो देखें तो अपनी पेन कॉपी अपने साथ में लेकर बैठें, ताकि जो भी मैं आपको बोलती हूँ, पॉइंट आपको पढ़ाती हूँ या बताती हूँ, तो उनके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट आप उसको लिखते भी जाएँ अपने पास। ठीक है, तो जो आपका ऑस्मेटिक थ्योरी है वाटर एब्जॉर्प्शन की, वह देखो क्या है, उसमें क्या है, वह अवशोषण जो परासरण की क्रिया द्वारा सांद्रण प्रवणता के आधार पर होता है, ऑस्मेटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहलाता है। मतलब क्या है, परासरण की क्रिया के द्वारा यह क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन संपन्न होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑस्मेटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो एटकेन ने। किसने प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को सर्वप्रथम, एटकेन 1916 ने, प्रिस्टले ने, तथा प्रिस्टले ने प्रस्तुत किया। एटकेन एंड प्रिस्टले ने इस सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो इसमें क्या है, रूट हेयर मिट्टी से एंडो ऑस्मोसिस द्वारा जल अवशोषण करते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो पेड़ पौधों की जड़ें रहती हैं वही क्या करती हैं, जल अवशोषण का कार्य करती हैं। और जड़ों में ही क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर। तो इसमें क्या होता है, रूट हेयर मिट्टी से एंड ऑस्मोसिस द्वारा जल अवशोषण करते हैं, जिससे मूल दाब या रूट प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, रूट प्रेशर जो रहता है वो बढ़ जाता है। परासरण सिद्धांत के अनुसार जल अवशोषण डिफ्यूजन प्रेशर की प्रवणता के अनुसार होता है। और जिसमें जो परासरण सिद्धांत है वो भी मैंने आपको बताया था, आपका जो विसरण और परासरण है दोनों विधियां मैंने आपको बताई हुई हैं। यदि जाइलम का सेप ऑस्मेटिक प्रेशर मृदा विलयन से अधिक है तो जल अवशोषण रूट के जाइलम द्वारा होने लगता है। यदि जाइलम का जो दाब है, प्रेशर है, वो मृदा विलयन से अधिक है तो जो जल अवशोषण है वो किसके द्वारा होने लगता है, जाइलम के द्वारा होने लगता है। ठीक है, उपरोक्त वैज्ञानिकों के अनुसार सॉइल वाटर परासरण दाब कम
1 ATM तथा कोशिका रस का अधिक 2 ATM होता है। जो परासरण दाब होता है वो सॉयल वाटर का, सॉयल का जो रहता है कम रहता है, 1 ATM रहता है, और जो उसका आपका कोशिका रस का जो परासरण दाब है वो क्या होता है, अधिक होता है। कितना होता है, 2 ATM होता है। अतः जल का अवशोषण स्वतः हो जाता है। इस प्रकार जो पेड़ पौधों में जल का अवशोषण क्या होने लगता है, स्वतः ही हो जाता है, कोई अलग से उसमें क्रिया नहीं करवानी पड़ती है। जड़ के अग्रसिरे पर स्थित रूट हेयर परासरण द्वारा सॉइल से जल का अवशोषण करते हैं। जो जड़, आपने देखा होगा जैसे आप गाजर ले लें या मूली ले लें तो उसमें जो छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं वही आपके क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। ठीक है, तो जो रूट हेयर होते हैं उन्हीं से क्या होता है, जल अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो जड़ के अग्रसिरे पर रूट हेयर परासरण द्वारा सॉइल से जल का अवशोषण करते हैं। इनकी सेल वॉल पैक्टिन एवं सेल्यूलोस की बनी होती है। किसकी, जो आपके रूट हेयर है उनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, पैक्टिन एवं सेल्यूलोस की बनी होती है, जो कि जल अवशोषण के समय अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। और ये क्या करती है, जल अवशोषण के समय जो सेल्यूलोस की बनी जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इनमें वो किसका कार्य करती है, अर्धपारगम झिल्ली की कार्य करती है। रूट हेयर की आंतरिक संरचना जल तथा खनिज लवणों के अनुकूल होती है। और जो रूट हेयर की जो अंदर की संरचना होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, जल तथा खनिज लवणों के अनुकूल होती है। मान लीजिए उसको जल से यदि कोई उसमें हानि हो रही है या किसी न्यूट्रिएंट से उसको हानि होती है तो उसकी संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि उसका कोई नुकसान ना हो। रूट हेयर में उपस्थित बड़ी रिक्तिका में रिक्तिका रस भरा रहता है। और जो रूट हेयर रहता है उसकी जो रिक्तिका रहती है, वैक्यूल्स रहती हैं, उनमें क्या भरा रहता है, रिक्तिका रस भरा रहता है। इस रिक्तिका रस की सांद्रता भूमि रस की सांद्रता से अधिक होती है। और इस जो रस इसमें भरा रहता है, जो रस इसमें पाया जाता है उसकी जो सांद्रता रहती है वो किससे अधिक रहती है, आपकी भूमि रस से अधिक रहती है, जिसके कारण भूमि का जल अंतः परासरण के द्वारा रूट हेयर में आ जाता है। और ये जो भूमि का जल रहता है, क्योंकि इसकी सांद्रता कम रहती है रूट हेयर की सांद्रता से, इसलिए क्या हो जाता है, रूट हेयर में आ जाता है। और यहाँ से कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल तथा प्रोटोजाइलम से होते हुए अंत में मेटाजाइलम की सेल में पहुँच जाता है। रूट ने जल ग्रहण किया है तो जल रूट में ही नहीं रहता है, किस किस में जाता है, वो रूट हेयर से कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में तथा प्रोटोजाइलम से होते हुए अंत में किस में पहुंचता है, मेटाजाइलम की सेल में पहुंच जाता है, जहां से यहां रसारोहण की क्रिया द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। और रसारोहण की क्रिया के द्वारा मेटाजाइलम से जो जल है वो पौधों के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक, जैसे स्टेम तक, पत्तियों तक, फूल तक, फल तक, जिसको भी जल की आवश्यकता होती है उसके द्वारा ये पहुँचता है। ठीक है, तो इस मत को अनेक वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, क्योंकि इस मत के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि कोई भी कार्य हो, कोई भी, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, हमें उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन इस मत में ये नहीं बताया गया है कि पेड़ पौधों को या रूट हेयर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस मत के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सेल्स में लवणों का संतुलन बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इस मत को क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया, इस मत को उतना मान्यता प्राप्त नहीं हुई। फिर आता है आपका नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेनेट क्लार्क एटल थियामन के अनुसार पौधों में सक्रिय जल अवशोषण नॉन ऑस्मेटिक विधि द्वारा होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो ऑस्मेटिक थ्योरी है वो तो उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कोई भी सेल्स हो उसको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। इसलिए जो नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी है उससे जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो होता है। तो कैरेनर के अनुसार जड़ द्वारा जल के अवशोषण में
ऊर्जा का उपयोग होता है और यह ऊर्जा जड़ों में हो रही उपापचय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। और यह ऊर्जा जड़ों को कहाँ से प्राप्त होती है, उनमें हो रही उपापचय क्रियाओं के द्वारा यह ऊर्जा जो है उनको प्राप्त होती है। इस मत के अनुसार जड़ की कॉर्टेक्स सेल श्वसन के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करके सांद्रण प्रवणता के विपरीत भी जल को मृदा से खींचकर जाइलम की ओर धक्का देकर पंप की क्रिया के समान पहुंचाती है। और इस मत में उन्होंने क्या कहा कि जो कॉर्टेक्स सेल होती है वो श्वसन के द्वारा, श्वसन में जो उत्पन्न होते हैं उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करके क्या करती है, सांद्रण प्रवणता के विपरीत जाकर ऊर्जा का उपयोग विपरीत भी जल को क्या करती है, मृदा से खींच लेती है। ठीक है, जाइलम की ओर धक्का देकर पंप की क्रिया के समान पहुंचाती है। इस क्रिया में प्ररोह तंत्र का योगदान नहीं होता है। इस क्रिया को कुछ हम उदाहरण जैसे एक दो उदाहरण जैसे समझा देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए यदि किसी प्रकार के श्वसन की दर को बढ़ा दिया जाए तो जल अवशोषण की क्रिया क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। यदि हम उसमें श्वसन की दर को बढ़ा देते हैं प्लांट्स में तो जो जल अवशोषण की दर भी क्या है, बढ़ जाती है, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही जो है उसको ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा जैसी प्राप्त होती है वो क्या करती है, मिट्टी से जल को खींच लेती है जाइलम। यदि जड़ की श्वसन दर को यदि हम कम कर दिया जाए या जल की श्वसन दर को और बहुत कम कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, जो जल का अवशोषण है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, यदि हम मृदा का जो तापक्रम है या अन्य विषैले पदार्थ जल अवशोषण को कम कर देते हैं, यदि भूमि का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक है तो वहाँ कहाँ क्या नहीं रहेगी, उसमें जल नहीं रहेगा तो जल अवशोषण की दर ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आती है हमारी जो आपकी पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो थ्योरी आती है। तो आज हमने इसमें पढ़ा एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हमने दो विधियों को पढ़ा, एक तो ऑस्मेटिक थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन और दूसरा पढ़ा हमने नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो ऑस्मेटिक थ्योरी है उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो किसी बल की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कोई भी चीज़ हो उसमें कोई भी कार्य को करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस मत को थोड़ा सामान्य कर दिया गया। लेकिन जो नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस मत को मान्यता प्राप्त हुई। तो जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो किस में होता है, नॉन ऑस्मेटिक थ्योरी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में। अब हम पढ़ेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वह अवशोषण जो कि जड़ की निष्क्रियता के कारण होता है। एक्टिव में तो हमें पता है कि सक्रिय रहती हैं जड़, लेकिन पैसिव में क्या है, निष्क्रिय। तो वह एब्जॉर्प्शन, वह जल अवशोषण जो जड़ की क्या होता है, निष्क्रियता के कारण होता है, यह अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न हुए खिंचाव के कारण होता है। उसमें जो है जो आपकी रूट है उनको सक्रिय नहीं रहना पड़ता है, और जो जल अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, सूरज निकला, पत्तियों ने अपना जो एक्स्ट्रा जल था उसको क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, तो उसमें जो उत्पन्न हुए खिंचाव के कारण होता है। और जड़ केवल अवशोषण माध्यम का कार्य करती है, और जड़ जो क्या करती है, केवल एक अवशोषण माध्यम का कार्य केवल उसमें करती है। दूसरा यदि हम बात करें तो इसमें क्या रहता है, जाइलम सेल में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव के कारण जाइलम सेप का जो डीपीडी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे केवल उस स्थिति में कम किया जा सकता है जब जाइलम सेल रूट हेयर से जल ग्रहण करती हैं। इसमें क्या रहता है, उसका जो डीपीडी रहता है वो कम हो जाता है, और इसको उस स्थिति में कम किया जा सकता है जब हम जो रूट हेयर हैं उनसे जल ग्रहण करती हैं। ट्रांसपायरेशन की क्रिया के दौरान पत्तियां तथा दूसरे वायवीय भागों की सतह से जल तेजी से वायवीय भागों की सतह से उड़ता है। ठीक है,
कोई भी पत्तियां हैं यदि वो क्या है ट्रांसपायरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान क्या होता है पत्तियों तथा दूसरे वायवीय भागों की सतह से जल तेजी से उड़ता है। हम जानते हैं कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पेड़ पौधों के अन्य भागों से भी और पत्तियों से भी क्या रहता है जो जल जितना रहता है वो तेजी से उड़ने लगता है, जिसके कारण इनकी वाह सेल्स में जल की कमी हो जाती है। और इसके कारण में क्या होता है जो वाह सेल्स रहती हैं उनमें जल की क्या हो जाती है कमी हो जाती है और एक खिंचाव भी उत्पन्न होता है। इन दोनों के कारण पत्ती की मेसोफिल सेल का जल सतही सेल में परासरण के द्वारा आ जाता है। और इस क्रिया में क्या होता है जब खिंचाव उत्पन्न होता है तो जो मेसोफिल सेल का जो जल था वो किस में आने लगता है सतही सेल में परासरण के द्वारा आने लगता है, क्योंकि सतही सेल ने क्या किया अपना जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा है तो अपना बाहर का जो जल है वो बाहर निकाल दिया। जब मेसोफिल सेल में यही स्थिति उत्पन्न होती है तब जाइलम का जल मेसोफिल में आ जाता है, और जब मेसोफिल में भी जल की कमी होती है तो जो जाइलम के पास जल रहता है वो किस में आ जाता है आपका मेसोफिल में आ जाता है। यही खिंचाव बल या ट्रांसपायरेशन पुल स्थानांतरित होते हुए जड़ की जाइलम नलिकाओं तथा रूट हेयर में पहुँचता है। रूट हेयर इसी बल के कारण जाइलम का अवशोषण करते हैं, जो रूट हेयर रहते हैं वो इसी बल के कारण एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है पूरे प्लांट्स में तो वो क्या करते हैं रूट हेयर इसी बल के कारण जाइलम का अवशोषण करते हैं। पौधों में लगभग 90% जल का अवशोषण इसी विधि के द्वारा होता है, 90% जल का अवशोषण जो रहता है वो इसी विधि के द्वारा होता है। ऐसे एब्जॉर्प्शन के पक्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण किसने दिए क्रैमर 1937 के प्रयोगों में फ्लावर तथा ऑपनिटी द्वारा दिए गए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो आपका मेसोफिल सेल का जो जल सतही जल सेल में क्या हो जाता है परासरण होने लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको एक बार पढ़ेंगे। तो उसमें हम एक्टिव एंड
पैसिव जल अवशोषण में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उनमें अंतर है।